नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो विधि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही सुंदर है। देवी माँ की जो चीज़ें हैं उनसे ये विधि को बनाया गया है। अगर इस विधि को आप अपनाते हैं तो देवी माँ का सच्चे मन से ध्यान करते हैं तो आपको इस विधि के सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे विधि किसी के लिए भी कर रहे हो, चाहे वो कपड़े हैं, आपकी प्रेमिका है या फिर कोई भी अन्य परिवार का सदस्य है जो आपसे रूठ गया है, अगर आप ये विधि अपनाते हैं तो आपको उस रूठे हुए शख्स को मना सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो आप इस विधि को अपना कर उस व्यक्ति से वो अपना काम निकलवा सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद करे आपको सिर्फ इतना करना है कि जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ इस विधि को सही तरीके से प्रयोग करना है। अगर आपने इस विधि का प्रयोग सही तरीके से किया तो ये विधि अपना असर दिखाएगी और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो भी आपके मन में है वो मंशा सार्थक होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये विधि आप किसी भी गलत मंशा के साथ ना करें, किसी भी गलत इरादे के साथ ना करें, मन में किसी के लिए द्वेष लेकर ये विधि ना करें। किसी भी गलत मंशा से की गई विधि कभी भी सार्थक नहीं होती। अगर हम कोई भी काम है वो साफ मंशा से नहीं करेंगे, सच्चे दिल से नहीं करेंगे तो कभी भी वो कार्य पूरा नहीं होगा। इस बात का खास तौर पर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए साफ मंशा और सच्चे दिल से ये कार्य कीजिए और अपने हर काम को, अपने रुके हुए हर काम को पूरा कीजिए। क्योंकि आजकल होता है कि हम बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारी मेहनत के फल स्वरूप हमें नहीं मिलता। हम अपनी पूरी निष्ठा से सामने वाले से प्यार करते हैं, उसके लिए अपने दिल में जगह रखते हैं लेकिन वो हमारी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता। हम भी चाहते हैं कि जिससे प्यार भरी नज़रों से हम देख रहे हैं वो भी उसी प्यार से हमें देखे, हमारे लिए केयर करे, हमारी फिक्र करे। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बताती हूँ कि आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको देसी घी का दिया लेना है जो आपको माता के आगे जलाना है, एक सादा पान लेना है और थोड़ा सा केसर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको सुबह उठकर नहा धोकर माता रानी के आगे एक दिया जलाना है घी का, और फिर सायंकाल में आपको माता रानी के आगे हाथ जोड़कर उस दिए से थोड़ा सा घी लेकर अपने कानों पर लगाना है और अपने फोटो पर अच्छी तरह लगाना है। और फिर जो आप पान लाए हैं, सादा पान, उसको माता रानी के आगे थोड़ी देर के लिए अर्पित करना है। फिर उस पान में थोड़ा सा केसर ऐड करना है और उस पान को चबा चबा कर खाना है। आपको इस तरह खाना है कि जो पान का रस है, जो पान की लाली है, वो आपके होठों पर आए। और ये पान खाने के बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो आप जो भी बोलेंगे उसका सीधा सीधा असर उसके सभी इंद्रियों पर होगा और वो व्यक्ति आपका कार्य पूरा कर देगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा अगर आप सही तरीके से इस विधि को करेंगे। दोस्तों, इस विधि में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप जो है सीधा सीधा स्थिति को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कीजिए और अपने आप को खुशहाल बनाइए। और दोस्तों, कोई और समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कर, गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद किए गुरुजी को फ़ोन करें और अपनी हर समस्या का समाधान गुरुजी से पाएं। जय माता दी दोस्तों।